कौन कहता है पढ़ाई और खेल एक साथ नहीं हो सकते। इस मिथक को तोड़ा है एक ऐसे शख्स ने जिसने पढ़ाई में भी कीर्तिमान रचा है, खेल में भी। और ये है हमारे आज के स्वदेश हीरो आईएएस सुहास एलवाई, जो अभी गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं और पैरालंपिक में भी बैडमिंटन में इतिहास रच चुके हैं, जिन्होंने संघर्ष की आग में तपकर अपनी जिंदगी को सोना बनाया है। तो आज स्वदेश हीरो की कहानी उसी सिल्वर मैन की। कागजों से उलझते हुए जिनकी सुबह होती है, शहर की दिक्कतों को सुलझाते हुए जिनका दिन गुजरता है और रात को जिनके हाथ बैडमिंटन थाम लेते हैं, ये हैं सिल्वरमैन सुहास लालिन केरी यथिराज, जो देश के इकलौते ऐसे डीएम हैं जो ओलंपियन भी हैं। और ये कामयाबी इनको यूं ही नहीं मिली, बल्कि इस कामयाबी को इन्होंने अपने संघर्ष से सींचा और हौसलों से खींचा। आज स्वदेश हीरो में कहानी उस कामयाबी की। जब हौसला बना लिया हो ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है कद देखना आसमान का। ये पंक्तियाँ हर उस शख्सियत पे सटीक बैठती हैं जो मंजिल की ओर बढ़ते कदमों की राह में आए तमाम सफलताओं से नई ऊर्जा लेता है, नए हौसले के साथ आगे बढ़ता है कुछ बड़ा और बेहतर हासिल करने को। और ऐसी ही शख्सियत बनती हैं हमारी और आपकी स्वदेश हीरो। आज हम ऐसी ही एक शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जो यूँ तो जिलाधिकारी हैं, लेकिन टोक्यो की ज़मीन पर एक उपलब्धि ने उन्होंने देश का नाम दुनिया के मंच पर गर्व से ऊंचा कर दिया। नाम है सुहास एलवाई, जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर। 2 जुलाई 1983, कर्नाटक की एक साधारण सी फैमिली में सुहास एलवाई का जन्म हुआ। बचपन से ही उनके दाहिने पैर में विकार था, लेकिन इनकी फितरत कुछ अलग ही थी। जितनी तकलीफ मिली उतना ही उन्होंने उसे ताकत की दवा बना लिया। बचपन संसाधनों के अभाव में जरूर था, लेकिन सुहास की मेहनत में नहीं। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव से शुरू हुई, क्योंकि पिता की नौकरी ट्रांसफर वाली थी, तो सुहास की बाकी पढ़ाई भी शहर शहर घूमकर होती रही। बाद में उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की। इस बीच साल 2005 में सुहास के पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मौत ने सुहास को झकझोर दिया। ये घटना ही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। इसके बाद उन्होंने अपने कदम सिविल सर्विस की तरह बढ़ा दिए। कड़ी मेहनत के बाद साल 2007 में उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया और फिर आगरा, जौनपुर, सोनभद्र, आजमगढ़, हाथरस, महाराजगंज, प्रयागराज के डीएम बने और देश के तेज तर्रार प्रशासनिक अधिकारियों में शुमार हुए। यही वजह थी कि महामारी के दौरान मार्च 2019 में उनको गौतम बुद्ध नगर का डीएम बनाया गया। हालांकि सुहास बचपन से बैडमिंटन खेलते थे, लेकिन आजमगढ़ में डीएम रहते हुए उन्होंने अपने इस हॉबी को प्रोफेशनली चेंज कर दिया। दरअसल यहां एक बैडमिंटन टूर्नामेंट के उद्घाटन करने के दौरान खुद ही मैच खेला और कई स्टेट लेवल के खिलाड़ियों को चित कर दिया, जिसके बाद पैरा बैडमिंटन टीम के कोच गौरव खन्ना ने उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए प्रेरित किया और यहीं से उनकी हॉबी उनका नया करियर बन गई। साल 2016 में सुहास ने बिना किसी को बताए पैरा एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और गोल्ड झटक लिया। इसके बाद बीजिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। साथ ही वो एक पेशेवर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय नौकरशाह बने। इसके बाद सुहास एलवाई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई गोल्ड झटके, लेकिन उनका अभी असली खेल आना बाकी था और वो आया इसी साल टोक्यो पैरालंपिक में, जहां उन्होंने जानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता और देश के पहले ऐसे डीएम बने जिन्होंने ओलंपिक में ये कीर्तिमान रचा। उनकी जीत पर देश में खुशियों की लहर दौड़ गई। पीएम मोदी भी खुश हुए और बाकायदा फोन करके उनको जीत की बधाई दी। इस जीत के बाद नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एलवाई का क्रेज अचानक बढ़ गया। लोग उनके दीवाने हो गए। लोगों की इस मोहब्बत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नीलामी में सुहास एलवाई के बैडमिंटन रैकेट की बोली 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की लगी। आज सुहास एलवाई दुनिया के नंबर 3 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इस स्वदेश हीरो की जिंदगी से इतना तो सीखा ही जा सकता है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटी नाउ स्वदेश। वाकई में सुहास एलवाई का संघर्ष बता रहा है कि पंखों से कुछ नहीं होता है और असली उड़ान तो हौसलों से ही होती है। लेकिन चलिए, हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने स्वदेश हीरो सुहास एलवाई से और बातचीत भी की और उनके जीवन के अनुभवों के बारे में जाना। स्वदेश हीरो के इस खास एपिसोड में हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे जिलाधिकारी से जिन्होंने भारत का नाम दुनिया के मंच पे गर्व से ऊंचा किया। टोक्यो में उनकी उपलब्धि ने सब कुछ मानो बदल के रख दिया और इसी उपलब्धि को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने बात में उनसे फ़ोन पे बात करके इस बात की बधाई दी और कहा कि यूं
आगे लगे रहो क्योंकि दिल मांगे मोर। और हम बात कर रहे हैं सुहास एलवाई जो गौतम बुद्ध नगर से डीएम हैं, जिलाधिकारी हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि कर्नाटक के शिमोगा से और टोक्यो के मंच तक ये सफ़र आप हमें, हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे आपने कहा, ज़िंदगी की सफ़र, बहुत शहरें दिखाई है, ज़िंदगी में कई नई नई चीज़ों को दिखाई है। जैसे आपने कहा, शिमोगा से टोक्यो तक, शिमोगा के बाद इंजीनियरिंग पढ़ने गए तो मैंगलोर में, उसके बाद IAS सर्विस मिला, उत्तर प्रदेश में आए। उससे पहले एक प्राइवेट कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में बेंगलुरु में रहे, जर्मनी में रहे, और उसके बाद बैडमिंटन के वजह से विभिन्न देशों में खेलने का मौका मिला और भारत के लिए मेडल मिलने का एक मौका मिला, और फाइनली जब टोक्यो में पैरालंपिक में मेडल प्राप्त करने का अवसर मिला, कहीं ना कहीं लगता है कि जो डेस्टिनी हैज़ बीन काइंड टू मी। जैसे कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ बहुत चाहते हैं और शिद्दत के साथ लगे रहते हैं तो पूरे कायनात लाके देती है, तो और ये सपना सा लगता है, एंड बहुत अच्छा लगता है। एक इसमें मैं आपकी टोक्यो की कहानी से पहले थोड़ा प्रशासनिक लेवल पर बात करता हूँ, क्योंकि ये बहुत कम लोग इस बात को भी जानते हैं कि बतौर जिलाधिकारी जिस तरीके से कोविड काल में आपने इस ज़िले में, गौतम बुद्ध नगर में जो काम किया है वो यहाँ के सभी लोगों ने सराहा है। आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग क्या रहा है आपकी जो बतौर प्रशासनिक लेवल पे, चाहे वो कुंभ को संभालना हो या यहाँ की, किस चुनौती को बड़े? दोनों चुनौतियाँ अपने आप में बहुत अलग थी। कुंभ मेले में वहाँ भी टीम वर्क होता है, टीम वर्क यहाँ भी होता है, बट वहाँ पे क्राउड कंट्रोल और सफाई का एक मानक बनाए रखना और जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की थी उस पर खरा उतरना और जो सरकार के डायरेक्शंस को एक्चुअली लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, वो हमेशा चुनौती थी। और कोविड में एक अलग से चुनौती था, या जब मैंने ज्वाइन किया था, इन जनरल समाज में जो पैनिक जो सिचुएशन रहती है उसको अच्छे से नियंत्रण किया जाए, बाद में टेस्टिंग अच्छे से किया जाए, वैक्सीनेशन ज़्यादा लोगों को मिले, ऑक्सीजन की स्थिति बेहतर किया जाए, दोनों हमारे लिए भी एक लेसन है। जैसे आप खेल में भी, स्पोर्ट्स में भी एक एक लेसन डेली आपको मिलता रहता है, तो हर गेम नया होता है, तो प्रशासन, प्रशासनिक जिम्मेदारी में भी हर जिम्मेदारी एक आपको नए अवसर है, नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो और ये दोनों जब मिलता है, तो जब एक ही दिन आप बैडमिंटन भी खेल रहे हैं और एक ही दिन आप प्रशासनिक जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में चेंज भी रहता है। सो आई थिंक डाइवर्सिटी इज़ ऑलवेज गुड फॉर वंस लाइफ। इंस्पिरेशनल स्टोरी तो बन गई है, तो यूथ किस चीज़ को ज़्यादा आपको लगता है कि वो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, कि किस तरीके से आपने टाइम मैनेजमेंट करके बैडमिंटन के लिए भी अपनी लगन को बनाए रखा, या जो IAS जॉब है, जो IAS का जो उसके साथ में जो फैसिनेशन है, तो कहाँ पर आपको लगता है कि यूथ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर युवाओं में, युवक हो युवती हो, उनके अंदर सपने होते हैं। अक्सर होता क्या है कि उस सपने को पंख नहीं देते, वो कई कारण हो सकता है। एक तो कभी कभी सोच लेते हैं कि समाज में इतनी ज़्यादा एक गलत फहमियाँ होती है, कभी सोचते हैं कि अगर मैं कोशिश करूँगा तो अगर मैं सफल नहीं हूँ, अगर फेल हो जाए तो क्या करें, और कभी आसपास के इलाकों में उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, परिवार में सपोर्ट नहीं मिलता है, बहुत सारे कारणों की वजह से, परिस्थितियों की वजह से वो उस सपनों के रास्ते में चलते नहीं हैं। मैं ये चाहता हूँ कि IAS या पैरालंपिक बनना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो हर युवा के अंदर जो सपना रहता है तो उस रास्ते में कदम रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रयास करें, प्रयास करके अगर हम सफल ना हो तो उससे नहीं दिक्कत है। हमें एज ए सोसाइटी, हमें जैसे हम सफलता को हम एक एम्ब्रेस करते हैं, गले लगाते हैं, वैसे हमें हारे हुए इंसान को भी और हार को भी गले लगाना चाहिए। तब व्यक्ति, युवा खास तौर पे, वो कोशिश करते हैं और कोशिश करने वालों की संभावनाएं हमेशा बेहतर ही रहती है। जो स्वदेश हीरो की कहानी है ना सर, इसमें सफलता तो दुनिया देखती है, आपके हाथ में वो सिल्वर मेडल दुनिया ने देखा, आपको प्रशासन में रहते हुए स्थिति को संभालते हुए दुनिया ने देखा, लेकिन जिस असफलता का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि कहाँ पर वो ऐसी बात रही कि जहाँ पर आप टूटे लेकिन आप फिर उठ खड़े हुए और आपने ये कमबैक किया। हर इंसान के ज़िंदगी में, उसकी सफ़र में कभी ऐसे हो नहीं सकता है कि वो ज़िंदगी में रोज़ जीती रहा, जीती रहा, ये स्पोर्ट्स में भी नहीं होगा, ये ज़िंदगी की कहानी में भी नहीं होगा। तो मैं अगर छोटा सा उदाहरण दूं कि जब हम ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन की टूर्नामेंट्स खेल रहे थे 2019 से 2020 के बीच में, तो उसमें मैं पहले टूर्नामेंट में मुझे गोल्ड मेडल आई, बट लगातार कई टूर्नामेंट में मुझे क्वार्टर फाइनल में पार नहीं कर पा रहा था।
तो मेरे फाइनली लास्ट में दो टूर्नामेंट बचा था, तो कोच ने बुला के कहा कि मैंने पूछा कि कोच साहब क्या मेरी क्वालिफिकेशन की क्या कितने चांसेस है। उन्होंने कहा देखो चांसेस तो क्योंकि आप इतनी टूर्नामेंट हार गए हो, क्वार्टर फाइनल नहीं पार कर पा रहे हो, तो आपको दोनों टूर्नामेंट में गोल्ड जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो इतना आपने मेहनत किया वो तो आप बेकार हो जाएगा। तो ब्राज़ील और पेरू में दो टूर्नामेंट थी। मुझे याद है कि जब मैं ब्राज़ील में पहुँचा तो मैं सोचा कि ठीक है ये अंतिम अवसर मुझे डेस्टिनी ने दी है तो बिना डर के खेल लेंगे, तो जो होगा देखा जाएगा, कर्म तो मैं करूँगा, बाकी प्रतिफल तो अपने हाथ में जो कायनात जो देना है देगा। तो यही हुआ कि मन से है, पूरी मन से और बिना डर से बिना। तो ब्राज़ील में गोल्ड मेडल मिली और पेरू में भी गोल्ड मेडल मिली लगातार, जो क्वार्टर फाइनल तक पार नहीं कर पा रहा था, कि दो टूर्नामेंट ऐसे एक तरह से जान लगा के जान दांव पे लगाने का कहते हैं कि, तो उसी टाइप का खेला था कि सारे डर छोड़ के। तो अगर मैं उस वक्त लगभग टूट तो गया ही था, बट जैसे कहते हैं ना कि आप कितने बार गिरते हैं वो मायने नहीं रखती है, कितने बार गिरने के बाद आप उठते हैं वो मायने रखती है। तो हम सबकी कहानी यही है कि गिरने के बाद जब उठते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं डर के आगे जीत है, गिरने के बाद उठने के बाद जीत है। मैं दो पोलो के बारे में और जिक्र करूंगा जो बहुत वायरल हुए। आपका मेडल आपके हाथ में होना तो वो तो ठीक है, सबने देखा और उस पर सबको गर्व महसूस हुआ, लेकिन दो पल ऐसे थे जो ज़बरदस्त वायरल हुए। एक, आप जब अपनी पत्नी से व्हाट्सएप पे या वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, और दूसरा जब पीएम मोदी ने आपसे बात करा आपकी जीत के बाद में। उन पलों को अगर आप आज दोबारा याद करते हैं तो किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरी पत्नी ने जब फ़ोन किया था तो उस वक्त जस्ट मेरा मैच ख़त्म हुआ था। आपकी, मैं बता दूं कि सर की वाइफ भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं, तो मैं उनका भी किस तरीके से वो कि ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पर आपको फोकस करना है, ज़्यादा खेल पर करना है, ये भी आपको बताना है। जब आप किसी इम्पॉर्टेंट मैच के बाद आपकी इमोशंस से भरा रहता है, तो वो मुझे लगता है कि उस फोटो में भी वही इमोशंस ही दिखती है। जो जैसे चेहरा तो एक प्रतिबिंब होता है आपके दिल और दिमाग का, तो वही मुझे लगता है। और दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब कॉल किया तो उस वक्त भी मन में बहुत सारे इमोशंस थी। तो मैच के इमिडिएटली बाद जब फ़ोन आया तो मेरे दिल की बातें उनको मैंने कही। तो और बहुत गर्व भी महसूस होता है किसी खिलाड़ी के लिए कि देश के प्रधानमंत्री देश की तरफ से अगर कॉल करके बधाई दे रहे हैं और दिल से बात कर रहे हैं, तो एक खिलाड़ी का भी सीना चौड़ा हो जाता है। तो बहुत खुशी और गर्व की अनुभूति होती है। तो ये खास बातचीत में सुहास एलवाई, जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर से बातचीत में, अगर आप कुछ बड़ी बातें समझना चाहते हैं तो जो मैं समझ पाया वो यही है कि अगर आपके सपने हैं तो सपने बड़े देखिए, खुली आंखों से देखिए, और उसको पूरा करने के लिए जो मेहनत लगती है उसमें हिचकिचाइए नहीं। दूसरा, असफलता है या गिरना है इसको स्वीकार कीजिए, खुले मन से स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये असफलता या गिरना या आपका एक बार बिखरना जो है वो आपको जब दोबारा खड़ा करेगा तो काफ़ी मजबूती से खड़ा करेगा और आप काफ़ी बेहतर स्थिति में अपने आप को पाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि ऐसा नहीं है कि अगर आप खेल रहे हैं तो बाकी चीज़ों में आप अपना मन नहीं लगा सकते, दोनों ही चीज़ों को साथ में लिया जा सकता है, बशर्ते आप उस तरीके का टाइम मैनेजमेंट और फोकस लेकर के अगर आप साथ चलते हैं। तो इस तरीके से बड़ी बातों के साथ में आपने देखा कि स्वदेश हीरो के पीछे की कहानी क्या है, वो क्यों आज हमारे और आपके लिए नेशनल आइकन बन गए हैं, और किस तरीके से वो आगे को भी, आगे के जो तमाम सपने हैं उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल हौसले के साथ में और फोकस तरीके के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो कामयाबी की इसी कहानी के साथ स्वदेश आर में इतना ही, मुझे भी इजाजत दे, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहे ET Now स्वदेश पर ही। नमस्कार।